ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य हस्तोत्तर शतश्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहितु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य श्रील गुरु महाराज जी के विशेष अनुकंपा से हम लोग पिछले 2 महीना से उपदेशामृत का चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत निश्चय हमारे पूर्वाचार्य श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने जिस विचारों को दिया उसको हम श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत निश्चय, तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने विशेष रूप से निश्चय को बतलाने के लिए उन्होंने ये दशमूल शिक्षा को यहाँ पर प्रकट किया, जिसके अंतर्गत 9 प्रमेय एक प्रमाण प्रकाशित हुआ है, जिससे आरंभ के जो 7 प्रमेय है उनको संबंध से जोड़ा और 8 प्रमेय को अविधेय और 9 प्रमेय को और जो कि 10 मूल है उसको ही प्रयोजन के रूप में यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज ने बतलाया। यहाँ पर बताया जा रहा है उपर्युक्त एक प्रमाण और 7 प्रमेयों का सार के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है। प्रमाण क्या है? वेद ही प्रमाण है। वेदों में संबंध अविधेय प्रयोजन तत्व का निर्णय किया गया है, ये प्रमाण है। और इसी को इसका जो प्रमेय है वो क्या है? प्रथम जो हमने सुना वो है कृष्ण ही परम तत्व है, अद्वैत ज्ञान तत्व स्वयं भगवान, ये सर्वैश्वर्य पूर्ण है, इनका नित्य धाम गोलोक वृंदावन धाम है। तो इसीलिए ये बात यहाँ पर बतलाया जा रहा है। दूसरा प्रमेय है श्री कृष्ण अनंत अचिंत्य शक्तियों से युक्त है। इस अनंत शक्तियों में चिद शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये 3 शक्तियाँ प्रधान है। उसके बारे में भी हम लोगों ने संक्षिप्त इशारे में श्रवण किया। कृष्ण रसस्वरूप है। और चौथा है जीव का स्वरूप नित्य कृष्णदास, वह भगवान का विभिन्नांश तत्व है। जीव की तुलना सूर्य के किरण कण अथवा अग्नि के स्फुलिंग के साथ की जा सकती है। क्या बोलते हैं? नित्य मुक्त जीव कृष्ण की नित्य सेवा कर प्रेमानंद में विभोर रहता है। नित्य बद्ध जीव कृष्ण को भूलने के कारण अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख होता है। माया इस बहिर्मुख जीव को अनादिकाल से ही संसार दुख में दुख का भोग कराती है। मुक्त जीव माया से मुक्त होते हैं। जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति के परिणाम है। इनका कृष्ण के साथ अचिंत वेदावेद संबंध है। ये 7 प्रमेय और 1 प्रमाण के बारे में हम लोगों ने श्रवण किया। अभी श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज अभिधेय के संबंध में बतला रहे हैं।
कृष्ण भक्ति ही अविधेय है, संबंध कृष्ण से और कृष्ण भक्ति जो है वो अविधेय है। संबंध ज्ञान का उदय होने पर अविधेय आरंभ होता है, अविधेय बिना संबंध का होता नहीं है। जो अविधेय है, जो साधन है, उस संबंध को संबंध के साथ में जो प्रयोजन सिद्ध करने वाला, संबंध का एक प्रयोजन भी होना चाहिए, तो उस प्रयोजन को सिद्ध करने वाला जो अभिधेय है वो तभी शुरू होता है जब संबंध है। जैसे एक व्यक्ति जब तक उसका किसी से, किसी के साथ में संबंध नहीं होता, जैसे एक लड़का लड़की है, अभी तो लड़की देखने मात्र से आदमी उसके प्रति पत्नी जैसा भाव नहीं रखता है, ना ही वो पॉजेसिव हो जाता है और ना ही वो लड़की होती है। जब उन लोगों का संबंध होता है, उनका रोका किया जाता है, अभी तो शादी वादी हुआ भी नहीं देखा जाए तो, तभी से क्या ऐसे अंदर से वो भाव आ जाता है मालूम नहीं है, वो रात दिन एक करके वो एक दूसरे के लिए पॉजेसिव हो जाते हैं लोग, ऐसे कई जगह पे देखा गया है। कल तक तो तुम्हारा कोई संबंध नहीं था, इसीलिए तुम दोनों के बीच में बात करने के लिए ऐसी कोई विषय भी नहीं है देखा जाए तो। लेकिन जब ये निर्णय हुआ कि ठीक है, ये अब इस व्यक्ति के साथ तुम्हारा विवाह होगा, उसके बाद ही बहुत सारी क्रियाएं शुरू हो जाते हैं, तोहफे भेजना, ये करना, मिलना, बात करना, घूमना, पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें जो भी लोग करते हैं, ये सब जैसा ये क्रिया है, ऐसा ही जब जीव का कृष्ण के साथ संबंध जागृत होता है, प्रकाशित होता है, तो उस समय जो साधन किया जाता है वही अभिधेय होता है। अभी हम जो साधन करते हैं ये वास्तविकता में संबंध को जगाने वाली साधना है। ये विशेषता ये है कि ये सेवा और नाम साधना ऐसी चीज है जो कि प्रारंभिक अवस्था से लेकर के उपलब्धि वाली अवस्था तक और आगे भी यही बना हुआ रहता है, लेकिन वो स्तर बदल जाता है, वो तरीका जो है, प्रक्रिया वो बदल जाता है। अब जो राग मार्ग में प्रवेश किया वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि विधि मार्ग का साधन को छोड़ देता है, देखा जाए तो पहले भी विधि मार्ग का साधन करता था, विधि मार्ग का साधन करते करते ही राग मार्ग में आया, लेकिन राग मार्ग में आने से विधि का परित्याग करता है ऐसा नहीं है। वहां सेवा का जो भाव है उसमें अंतर आ जाता है। यहां पर एक कर्तव्य बोध से करता था, लेकिन वहां पर प्रीति के साथ में करता है एक ही कार्य। जो परमहंस स्थिति में पहुंच गया, अवधूत स्थिति में पहुंच गया, उनकी बात अलग होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को बतलाया जा रहा है कि जो संबंध जागृत होने के बाद जो साधन होता है वास्तविकता में वही अविधेय है। अभी जो हम साधन करते हैं ये साधन हमें प्रेम नहीं प्रदान करेगा, ये पहले संबंध जगाएगा। जब संबंध होने के बाद यही साधन संबंध ज्ञान के साथ युक्त हो के जब होता है तब प्रयोजन की तरफ साधक को लेकर के जाता है, ये विशेषता है। इसलिए संबंध अभिधेय फिर प्रयोजन है, ऐसा नहीं है कि प्रयोजन पहले आ जाता है बाद में संबंध उदित होता है। है ना, रिश्ता होगा तो ही तो उस रिश्ते का कोई वो है, प्राप्ति की बात है, उस रिश्ते की परिपक्वता की बात। भगवत प्रेम है
लेकिन क्या है, किस किस ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है पहले जो है श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति आदि के स्तर से आगे बढ़ के प्रेम प्राप्त करने के बाद उसको एक रस विचार मिलता है कि वहां जाने के बाद अभी उसको प्रेम हो गया, अब उसका नेक्स्ट स्टेप में जो है अब ये दास्य में जाएगा, शांत में जाएगा कि वात्सल्य में जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो भाव के स्तर से आगे बढ़ने के बाद ही जिस रस में उसका प्रवेश है या जिस रस में उसका रुचि है उसमें वो धीरे 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 परिपक्व होता जाता है और उसी परिपक्वता के साथ प्रेम आता है। प्रेम न्यूट्रल नहीं हो सकता। न्यूट्रल कैसे होगा प्रेम जो है, कि कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कुछ नहीं है, न्यूट्रल है, और ऐसा प्रेम कैसे होता है? प्रेम जो है रस का आश्रय लेकर के रहता है, कोई ना कोई रस का आश्रित होकर के प्रेम रहता है। वो तो उसके अंदर दास्य भाव के साथ में प्रेम होगा, उसके प्रेम में दासत्व होगा, उसके प्रेम में ममता होगा, उसके प्रेम में सख्य भाव, कुछ ना कुछ होगा, ये उसका वैशिष्ट है। तो जो हो, यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये है, यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये कि जब व्यक्ति का संबंध ज्ञान उदय होता है तभी उसका जीवन में अभिधेय आरंभ होता है, इससे पहले नहीं। इसलिए कृष्ण भक्ति ही अभिधेय है, कृष्ण भक्ति अभिधेय। तात्पर्य यह है कि शास्त्रों में जीवों के चरम कर्तव्य का निरूपण किया गया है, उस चरम कर्तव्य का नाम ही अभिधेय है। जितने भी जीव हैं उनका चरम क्या है उसके बारे में बतलाया गया, वो बताए वो अभिधेय है। कर्म योग और ज्ञान ये अत्यंत तुच्छ और गौण साधन है, मुख्य साधन नहीं है। ये जो कर्म साधन है, ज्ञान और योग आदि का जो साधन है, ये गौण है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ये इनका कोई महत्व नहीं है। हम लोग जैसे चर्चा किया, अपने अपने जगह पे इनका भी महत्व है, लेकिन ये कर्म के द्वारा, ज्ञान और योग साधना के द्वारा कभी भी व्यक्ति का संबंध जागृत नहीं हो सकता, संबंध नहीं जग सकता। तो इसीलिए वो गौण साधन है, वो मुख्य साधन नहीं है। वो हो सकता है कि व्यक्ति को उस तरफ चलने के लिए प्रेरित करे और करते भी हैं, वो क्रमोन्नति के हिसाब से, जैसे हम लोगों ने पूर्व में श्रवण किया था, लेकिन उनके आधार पे संबंध होगा, उनके आधार पे हमें अभिधेय प्राप्त चीज़ें हैं। कर्म, ज्ञान, योग वास्तविकता में किसी प्रकार का फल को प्रदान नहीं कर सकते। फल नहीं प्रदान कर सकते मतलब है कि जो संबंध को जगाने वाला जो फल होता है वो नहीं प्रदान कर सकते। ऐसा नहीं कि फल नहीं प्रदान कर सकते, वो संबंध को जगाने वाला फल वो नहीं प्रदान कर सकते, उनमें वो सामर्थ्य नहीं है। लेकिन अगर ये भक्ति के सहायक हैं, भक्ति के साथ सहायक है, जैसे कर्म है, कर्म जो है भक्ति का जब सहायक कैसे होता है कि वही कर्म जब हम लोग स्वसुख वांछा के लिए छोड़कर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगा देते हैं तो वही एक कर्म ही है, लेकिन वो सेवा के रूप में परिणित हो गया, वो क्या सेवा बन गया वो उधर, और वो भक्ति बन गया उधर, ये उसका विशेषता है। इसी प्रकार से सब कुछ है। तो इसीलिए बताया साधन भक्ति को ही अभिधेय कहते हैं, और ये दो प्रकार की है। यही साधन भक्ति क्या है, वो वैधि मार्ग और
राग मार्ग, ये दोनों साधन भक्ति का हिस्सा है। जो विधि मार्ग है वो भक्ति के अनंत अंगों में से 64 अंगों को मुख्य रखा, उनमें से भी प्रहलाद महाराज ने 9 को आगे किया। नौ को आगे किया और महाप्रभु ने फिर 5 किया। तो जो हो, यहाँ पर बताया भक्ति के 9 अंगों के बारे में भागवत जी में, श्रवणम कीर्तनम विष्णुम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये जो भक्ति के 9 अंग के रूप में यहाँ पर प्रकट किया गया है। और क्या बोलते हैं, शरीर मन और वाणी से श्री कृष्ण के चरणों में चित्त को लगाकर लगाने का नाम ही भक्ति है। शरीर मन वाणी से, इसलिए ब्रह्मा ने भी बोले हृद्वा क्वपवी विदधन नमस्ते। वृत्रासुर भी यही बात बोल रहे हैं कि आपकी सेवा शरीर मन वाणी से होता रहे, मेरा शरीर मन वाणी आपके चरणों में लगे। तो इसलिए बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं, कहीं कहीं कर्म और ज्ञान तथा भक्ति के अंग समूह बिल्कुल एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। इन अंगों में जब भक्ति के अतिरिक्त अन्य कामनाएं संयुक्त होती है, कर्म ज्ञान ये सब चीज़ें जो है एक जैसे दिखाई दे सकते हैं कई बार, लेकिन उसके अंदर अगर और विचार उसके अंदर घुस जाते हैं, जैसे जो हमारे अंदर स्वसुख वांछा की कामनाएं अगर हमें जागृत होते हैं तो वो ठीक नहीं होता है, तो उसको कर्मांग कहते हैं। सेवा तो कर रहा है भगवान का, लेकिन उसके अंदर अन्याभिलाष है, उसके अंदर उसको अपने किसी और प्रयोजन का उद्देश्य है वहाँ पर, तो कर्मांग भक्ति है, कर्म प्रदान भक्ति है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर जो ब्रह्म का चिंतन किया जाता है, जैसे कई लोग होते हैं वो लोग भगवान की कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका जो साधना है वो ब्रह्म की तरफ होता है, तो वो ज्ञानांग भक्ति है। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो लोग कभी भी जो है भगवान का नाम नहीं लेते, सिर्फ निराकार कोई नाम लेकर के बैठे रहते हैं। आप देख सकते हैं कई लोग जो इस तरह के जो लोग हैं, जो कि निराकार निर्विशेष ब्रह्म को मानने वाले लोग, वो लोग जो ज्ञान मार्ग के भक्त हैं, अगर उनके स्थान में भी आप जाते हो वहाँ पे भी कोई कोई जगह पे माता की मूर्ति, कोई कोई जगह पे कृष्ण का मूर्ति, कोई कोई जगह पे शिव जी का, सब कुछ मिल जाता है, पूजा पाठ भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, लेकिन उनका जो विचार है वो अलग होता है। अब जैसे शंकराचार्य इत्यादि हैं, वो लोग ऐसा नहीं कि किसी मंदिर में नहीं जाते, किसी विग्रह को नमन नहीं करते, ऐसा तो है नहीं, जाते हैं, करते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो लोग ये सब होने के बाद भी वो लोग उस स्वरूप को स्वीकार नहीं करते। वो यही स्वीकार करते हैं कि ये जो है ये ब्रह्म है, ब्रह्म ने वो जो निर्विकार निर्विशेष जो ब्रह्म है वही ये रूप को धारण किया, इस प्रकार के भाव से दर्शन करते हैं। तो ये सब चीज़ें होते हैं जब व्यक्ति कर्म ज्ञान इन सब से शून्य होकर केवल मात्र कृष्ण सेवा के उद्देश्य से आचरित हो, तब उन्हें भक्ति का अंग कहते हैं। इसलिए कर्म ज्ञान सबको छोड़ना पड़ता है, ये सब छोड़ करके जो व्यक्ति कृष्ण सेवा के उद्देश्य से साधन करता है उसको भक्ति कहते हैं। वहाँ पर कुछ और है तो भक्ति के अंदर नहीं माना जाता। आगे बतलाते हैं
रूप गोस्वामी जी महाराज भक्ति के लक्षण इस प्रकार से बता रहे हैं, जो उत्तमा भक्ति है उसके बारे में ये बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। इतर अभिलाषाओं को छोड़कर और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, न ज्ञान का कर्म का ये भी नहीं होना चाहिए, सब चीज़ें कुछ भी नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बोलते अनुकूल येन कृष्णानुशीलनम। शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी बोला करते थे, अनुकूला शक्ति मतलब श्रीमती राधिका जी है, महाराज ऐसे शब्द यूज किया करते थे। बोलते इसीलिए अनुकूल येन कृष्णानुसेवलम, कृष्ण सेवा के लिए जो अनुकूल है श्रीमती राधिका जी, उनके अनगत में रहकर कृष्ण सेवा की तरफ उन्मुख होना, वही उत्तम भक्ति का सूचक है करके यहाँ पर बताया जा रहा है। शास्त्र के विधानों के अधीन रहकर भक्ति के अंगों का पालन करने का नाम ही वैदिक भक्ति है। और कृष्ण के अनुराग के वशवर्ती होकर जो सेवा कार्य किया जाता है उसको राग भक्ति कहते हैं। जो नियम को लेकर के जो कुछ भी किया जाता है वो सब जो है वो सब विधि भक्ति है। जैसे हम लोग जो करते हैं हमारी साधना, वो विधि भक्ति है। अब वो विधि भक्ति के अंदर, वो नीति सेवा के अंदर, अब चंदन यात्रा शेष हो गया जैसे देखा जाए, गर्मी कितना है, भयंकर गर्मी है, लेकिन विचार नहीं आता कि अच्छा शायद चंदन लगाना है, सब किसी को भी नहीं आता एक विचार से देखते हैं तो। ऐसा नहीं कि गलत है, एक सोचने की बात है और कुछ नहीं है। क्यों? हम लोग एक नीति को लेके चलते हैं, एक हमारे आचार्यों के आगे नियम को लेके चलते हैं। वैसे तो ठाकुर जी के लिए एसी इत्यादि है तो दिक्कत होता नहीं, लेकिन पूज्य भारती महाराज जी अक्सर बोलते थे उड़न षष्ठी के दिन अगर गर्मी नहीं भी होगा तो भी जगन्नाथ को लोगों ने सर्दी के, ठंड नहीं भी होगा तब भी उन्होंने सर्दी के कपड़े पहना नहीं है, क्योंकि उड़न षष्ठी तिथि है। और वो कौन सा दिन है? एक तिथि आता है फिर वसंत पंचमी, उसके बाद ठंड होने पे भी वो बोलते महाराज जी बोला करते थे कि वो सर्दी का कपड़ा और नहीं पहनाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका श्रद्धा नहीं है या प्रेम नहीं है, कहने का मतलब है कि विधि मार्ग के ऊपर चलने वाले साधक ऐसे ही होते हैं। अब अगर हम देखते हैं चार प्रकार की जीव चीजें हैं, स्वादन तृप्तान हरिभक्त संगान जो है, चतुर्विधा भगवत प्रसादोज वाली बात जो है, चबाने वाला, चूसने वाला, चाटने वाला, वो नियम ऐसा बना हुआ है कि प्रलय हो जाए चाहे कुछ हो जाए, जब हम विचार करके देखते हैं, एक तरह से विचार करते हैं कि एक ही चीज को एक आदमी हर दिन कैसे खा सकता है ना, तो ऐसा होता है। मतलब है कि वो मतलब एक फिक्स चीज वो रहेगा ही रहेगा टाइप का, ये एक तरह से नीति सेवा ही तो होता है। ये सब विधि मार्ग है, ये करना दोष नहीं है। आदमी रागमार्ग का अभिनय नहीं करना चाहिए जब तक कि रागमार्ग में प्रवेश प्राप्त नहीं होता, लेकिन विधि मार्ग का जो सेवा वो एक कर्तव्य बोध से किए जाने वाला सेवा, एक एक विधि से करने वाला सेवा है। कैसे करो मतलब ऐसा करो, जब व्यक्ति निष्कपट भाव से निष्ठा के साथ उसी विधि मार्ग की सेवा में रत होता है तो जो महजन है वो लोग अपने श्री चरणों का आश्रय देकर वो लोग क्या करते हैं, राग मार्ग में प्रवेश करवाते हैं अपने साथ में रख के। अच्छा ठीक है चलो, उन्हें अपना भी अनुगत्य प्रदान करते हैं और साथ ही भगवान के श्री चरणों में उसको एकांतिक समर्पण का भी कार्य को उससे करवाते हैं।
मतलब कृष्ण दासत्व का जो भाव को उसके अंदर परिपक्वता प्रदान करते हैं। भगवान के और भगवत भक्तों के श्री चरणों में दासत्व जो है एक रत्न की तरह है, बहुमूल्य रत्न की तरह, इसलिए बोले स्वाधीनता रत्न दाने। वो लोग गुरु वैष्णव भगवान तीनों का ही आश्रय उसको प्राप्त होता है, संबंध प्राप्त होता है, और कृपा करके गुरुदेव फिर उसको रागमार्ग की तरफ लेकर के जाते हैं। अभी जो हाफ नॉलेज लोग हैं, खुद इधर उधर किताब पढ़ लिया, बहुत सारे लोग मिलते हैं दुनिया में, इधर उधर से पढ़ ली, दो चार भजन सुन लिया, वो लोग सब अस्थिर होके रागमार्ग को अंदर प्रवेश करने के लिए स्वयं उछलते हैं, ऐसे हमें बहुत मिलते हैं। एक ने तो ये भी पूछा, आप कौन से रस में हैं, मतलब जान के क्या करोगे, बोलते उसी हिसाब से हम आपके साथ संबंध रखेंगे। अगर मान लीजिए आप अगर मधुर रस में नहीं हैं, तब अगर आपका संग में करूँगा तो मुझे तो मधुर रस प्राप्त नहीं होगा, तो इसलिए मुझको ये जानना जरूरी है कि आप कौन से रस में हैं। मैंने जो जवाब देना था सो दे दिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब लोगों की इस तरह का दृष्टि है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं विधिमार्ग रत जने, विधिमार्ग में जो रत है मतलब डूबा हुआ है, कर रहा है उसको, गुरु के वचन अटल करिमानी ही, कि गुरुदेव ने मुझे इस सेवा में नियुक्त किया है, इस सेवा को करते रहना ही मेरा विधि है, मेरा सब कुछ इसी में है कि मेरे गुरुदेव ने जो मुझे उपदेश दिया उस उपदेश को मैं यथावत पालन करने का प्रयास करूंगा बस, और उसी प्रयास में अपना दिमाग ना लगाकर जो उपदेश आया है उसी उपदेश का अनुसरण करता हुआ जो साधक निष्कपट साधना करेगा, तब वो साधक रागमार्ग में प्रवेश करने का अधिकारी होगा गुरु कृपा से। लेकिन जो अवगाहना रहित जो साधक, जो साधना रहित जो व्यक्ति, वो लोग क्या करता है, किताबें पढ़ के दो चार बातें इधर उधर से सुन के वो लोग अब रागमार्ग में प्रवेश करना चाहता है, उनको सिद्ध प्रणालियाँ रागमार्ग ये सब चाहिए होता है, इसीलिए ये विकृति जो है वो इसीलिए आता है। अधिकार के बिना किसी भी रस का इमिटेशन करने पर, अभिनय करने पर, वो परिणाम सर्वनाश ही होता है, ना केवल उसका, समाज का भी। इसीलिए बहुत सारे मूर्ख लोग या अज्ञानी लोग भगवान को जो है एक लंपट की तरह या तो कुछ और प्रकार से दर्शन करते हैं। कितने लोगों ने ये बातें बोला हुआ, भगवान तो वैसे ही बोल रहे हैं, अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीम तन्माश्रित नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नाराधम। आगे ही व्यक्ति कृष्ण से विमुख होके पतित होके इस संसार में पड़ा है, नाराधम होके पड़ा है, भोग में धस के पड़ा हुआ है, और इस तरह से जो नासमझ लोग जब विधिमार्ग को परित्याग करके रागमार्ग का अभिनय करने लगते हैं तभी अपसांप्रदाय पैदा होते हैं। उसी समय 13 अपसांप्रदाय थे, अभी और ज़्यादा है। बस सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि जिसने क्लासिफाई किया उसको, किसी ने ऐसे क्लासिफाई किया, ऐसा नहीं हुआ, बस इतना ही है। अपसांप्रदाय आज है, जो सीधा अपसांप्रदाय है उससे खतरा नहीं है,
जो प्रच्छन्न रूप से आप संप्रदाय है, छिपा हुआ आप संप्रदाय है, मतलब है कि ऊपर से वो जैसे धर्मध्वजी की तरह ऊपर ऊपर से जो है वो दिखता ऐसा है, लेकिन अंदर अंदर से जो है वो बड़ा ही भयंकर है, मतलब वो ठीक नहीं है। इसीलिए हमारा क्रम मार्ग है, विधि को पकड़ के चलो। जब तुम्हारा अधिकार आएगा तब तुम्हें राग मार्ग के अंदर प्रवेश दिया जाएगा। ये रास पंचाध्याय इसीलिए हमारे मठ में पढ़ने को देते नहीं है। लोग पता नहीं कैसे गोपी गीत, भ्रमर गीत, ये सब बातें पढ़ते कैसे है ये समझ में आता नहीं। उसके आरंभ में ही लिख दिया कि जो शिव नहीं है वो इसको पिएगा तो उसके लिए ये जहर ही होगा, और अगर पीना भी है, क्योंकि ये भी बोला है कि इनको जो व्यक्ति श्रवण करता है उसका काम वगैरह सब शेष हो जाता है, तो इसका मतलब उसको स्वयं पढ़ने के लिए नहीं बोला, उसको प्रणयी भक्त के पास जाकर उसी के अनुगत में उसको श्रवण अथवा कीर्तन, वो भी भक्त के अनुगत में रह के करने के लिए बोला। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने तो इस चीज़ के ऊपर कभी भी जोर दिया नहीं, और कई लोग इस चीज़ के लिए सोचते हैं कि कुछ और सोचते हैं गुरु जी के लिए, लेकिन गुरु जी वर्तमान समय को और भविष्य को देखते हुए कि किस प्रकार से कामुक व्यक्ति इन चीज़ों को पढ़कर, इन चीज़ों को सुनकर अपने पतन का दावत खुद कर लेगा, निमंत्रण खुद कर लेगा, इस चीज़ को देख के गुरु महाराज जी ने कभी भी को प्रोत्साहित नहीं किया, ना ही परम पूज्यपाद भक्त विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी। एक समय जगन्नाथपुरी के अंदर महाराज जी दशम स्कंद का पाठ कर रहे थे, पाठ करते करते जैसे ही रास पंचाध्याय का प्रसंग आया, महाराज जी ने सारे कागज के पन्नों को ऐसा पलटा दिया और उसके बाद का जो अध्याय है सीधा उसके ऊपर पाठ करना शुरू कर दिया था, जबकि इतना भयंकर कुछ नहीं है उसमें अन्य ग्रंथों की अपेक्षा। लेकिन फिर भी बात अधिकार का होता है, बात अधिकार का होता है। इसलिए बोले राग मार्ग जो है वो कृपा करके, गुरुदेव कृपा करके राग मार्ग में जय हो, गुरुदेव कृपा करके राग मार्ग में जीव को लेके जाते हैं, उसकी विधि मार्ग की सेवा का निष्ठा को देखकर। तो इसलिए बोलते हैं जब वो कृष्ण के अनुराग, जब उसके अंदर भगवान के प्रति अनुराग उत्पन्न होगा, वो कैसे आएगा, सेवा करते 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 आएगा, नहीं तो कहाँ आता है, नहीं तो कभी आता नहीं। किसी ना किसी प्रकार से शरीर मन वाणी के द्वारा जब व्यक्ति कृष्ण सेवा में लगा हुआ रहेगा, तब जाकर के उसके अंदर ये भाव आता है। क्या बोलते हैं, रागानुग भक्ति अत्यंत बलवान होती है, यही नवम मूल अर्थात अष्टम प्रमेय है। नवम प्रमेय के बारे में यहाँ बतलाया जा रहा है, जो या दशम मूल के बारे में यहाँ बतलाया जा रहा है, वो है प्रयोजन। आमनई वाणी के अनुसार प्रेम ही प्रयोजन तत्व है। क्या प्रयोजन तत्व जो है वो क्या है, वो प्रेम, कृष्ण प्रेम। साधन भक्ति के लेकर प्रेम प्राप्ति तक भिन्न भिन्न क्रम है, इसलिए साधन भक्ति से लेकर ये प्रेम प्राप्ति तक जो है एक क्रम है, अलग अलग क्रम है, और उस क्रम के हिसाब से ही साधक को चलना पड़ता है, उसके बिना चलने से वो ठीक नहीं होगा। इसीलिए श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत बड़ा
इसमें योगदान रहा है। और लोग उस समय प्रभुपाद जी के विरोधी भी हुए थे, क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये वर्णाश्रम व्यवस्था और उसके बाद पंचरात्र विधि से दीक्षा संन्यास इत्यादि उन्होंने आरंभ किया, प्रकाशित किया, नहीं तो महाप्रभु के धारा में वो चीज़ के ऊपर जोर था ही नहीं कभी। वहाँ पर वर्णाश्रम का विचार नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि ये तो परमहंसों का मार्ग है। लेकिन धीरे 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 उसमें ऐसे निकृष्ट साधक भी आए, वो लोगों ने इसको कलंकित करके तेरह तरह के अपसंप्रदायों को पैदा कर दिया उसमें। उस समय किस प्रकार से निंदा हो रहा था महाप्रभु का विचार का, जो कि सर्वोत्तम धर्म है, प्रेम धर्म, लेकिन निंदा होने लगा था। प्रभुपाद जी ने इसलिए कृपा करके उस व्यवस्था के ऊपर अंकुश देने का उन्होंने इस कार्य को अपने ऊपर लिया। अभी भी जाएंगे राधा कुंड के अंदर, कोई कोई ऐसा जी है, हम तो जानता नहीं उन लोगों का नाम, जो कि वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार ही नहीं करते। अरे, एक संसार में फंसा हुआ साधक सीधा ही सिद्ध प्रणाली का साधन करना शुरू करेगा तो उसको उपलब्धि कहाँ से होगा, अचीवमेंट कहाँ से होगा? कुछ नहीं होगा। वो लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास इत्यादि कुछ नहीं मानते। नवद्वीप में भी ऐसे लोग हैं। अच्छा खासा एक व्यक्ति, दीक्षित व्यक्ति, हरिकथा सुनने के लिए उनके पास गया। हरिकथा सुनाते सुनाते ऐसे उनको प्रभावित किया, उनके गले से जनेऊ यज्ञोपवीत इत्यादि सब उठा के नदी में प्रवाहित करवा दिया। इतने पे वो कहता है कि जो गुरुजी ने सिखाया उससे आगे की बात अब मुझे सीखने को यहाँ मिल रहा है। जो शिष्य, मूर्ख शिष्य, जिसको ये लगता है कि जो गुरुजी ने सिखाया उसके आगे की बात मुझे कहीं से सीखने को मिल रहा है, वास्तविकता में उसका भक्ति के मार्ग में, भक्ति राज्य में कभी प्रवेश ही नहीं हुआ है। गुरुदेव कृपा करके एक जीव को जो उपदेश दिया वो उपदेश पूर्ण होता है। साधना करते 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 वही उपदेश का स्वरूप उसके जीवन में अलग अलग प्रकार से प्रकाशित होता है, और चरम में वही उपदेश उसको भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में आश्रय दिलाकर उस विशुद्ध प्रेम को प्रदान कर देता है। ये विशेषता है उसका। लेकिन साधक अपनी बद्धावस्था के कारण इस चीज को नहीं समझ पाता है, ना समझ पाने के कारण काम का दास हो जाता है, या फिर वासना का दास हो जाता है, या फिर कामिनी और प्रतिष्ठा इत्यादि का दास बनकर अपने आचरण को विकृत कर लेता है। अलग वो ठीक नहीं है। ये जो क्रम यहाँ पर बताया, ये क्रम अनुगत्य का क्रम है, परंपरा का क्रम है। और हमारा भाग्य यही है कि प्रभुपाद जी ने हमको वो वाला मार्ग दिया। और दुर्भाग्य उन लोगों का है जिनको ये लगता है, कई लोगों को ये भी है बीमारी, संग जरूरी है, लेकिन जो गुरु की शिक्षा, परंपरा की शिक्षा के विरुद्ध जो संग होता है, उस संग को हर हालत में परित्याग करना चाहिए, चाहे कितना भी उत्तम संघ क्यों ना हो। वो कितना भी उत्तम संघ क्यों ना हो, उसको हर हालत में परित्याग करना चाहिए, जो कि जो गुरुदेव, अगर गुरुदेव प्रामाणिक हैं, परंपरा प्रामाणिक है, मतलब जो व्यक्ति, हम लोग विचार करें, सारस्वत परंपरा के अंदर आया हुआ जितना भी व्यक्ति है, वो लोग
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के धारा से बाहर जाके संग करने का प्रयास करता है तो वो निश्चित रूप से शुद्ध भक्ति को, उस प्रेम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है, काफी कम संभावना है। और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने जो है केवल प्रभुपाद स्वयं नयनमणि मंजरी है, लेकिन उन्होंने जो उपदेश दिया, उन्होंने जो साधन प्रणाली दिया, हर रस के जो रसिक साधक है उन लोगों के लिए उन्होंने कृपा करके भजन प्रणाली दी है। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कोई और व्यक्ति किसी और रस में है, किसी और भाव में है, वो गौड़ीय नहीं हो सकता, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि महाप्रभु ने भी स्वयं उस मधुर्य उज्ज्वल प्रेम को आस्वादन किया, लेकिन उन्होंने अन्य पांचों रसों को, यहाँ तक कि मुख्य और गौण सभी रसों को, 12 रसों को उन्होंने आश्रय प्रदान किया है। ये विशेषता है। और जो पूर्ण रूप से उस कांत भाव को लेकर, उस माधुर्य भाव को लेकर उन्होंने उस धारा को प्रकट किया है, लेकिन इतना सुंदर तरीका से प्रकट किया क्योंकि मायाबद्ध जीव के अंदर एक कृष्ण स्मृति जो है वो स्वाभाविक नहीं है, उसके स्वाभाविकता में नहीं है। जो वस्तु स्वाभाविकता में नहीं है, जो वस्तु उसके नेचर में नहीं है, उस चीज को अगर हम उसे देने का कोशिश करेंगे, अब हम लोग देख लो बचपन से, आज से नहीं, पैदा होने से लेकर आज तक कभी भी गौशाला इत्यादि में नहीं गए, ना ही गांव में पले, ना कुछ है। छोटी सी बात है, गौ माता से ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते, लेकिन ऐसा नहीं कि गौ माता का जो है सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिला सकते हैं, रोटी खिला सकते हैं, लेकिन भूसा वगैरह सब उठा के करना, ये सारे काम नहीं होते। उसका कारण क्या है कि पैदा होने से लेके इतने साल जो सिर पे आ गया, कभी उस तरह का हम लोगों के अभ्यास है ही नहीं है, स्वभाव में नहीं है, इसीलिए जबरदस्ती कर जैसे उसको किया, वो फिर उसका बस का काम रहा नहीं देखा जाए तो। खैर उसका एक अलग केस है, लेकिन समझने के लिए एक दृष्टांत के रूप में, ठीक उसी प्रकार से जो मायाबद्ध जीव है, भगवान से विमुख होकर संसार में पड़ा हुआ जीव, उसको प्रेम की भाषा नहीं समझ में आता है, जो कि काम का दास है, जो नीचे गिरा हुआ व्यक्ति है, उसको उठाने के लिए उसके स्तर पे जाना पड़ता है, उस जगह पे जाना पड़ता है। उसको जैसे बच्चा नीचे है तो माँ क्या करती है, अच्छा ऐसा कहाँ बोलती है, वो तो झुकती है, वो जो झुक कर उसको उठाने का जो क्रम है वही विधि मार्ग है, वही विधि मार्ग की तरह। इसलिए उसकी उसके अवहेलना करने से कोई भी साधक निश्चित रूप से वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए जन्म जन्मांतरों की सुकृतियाँ सौभाग्यवश बद्धजीव में श्रद्धा का उदय करते हैं। हम जानते हैं श्रद्धा कैसे आता है, अनेक जन्मों की जो सुकृतियाँ हैं जब वो एक जगह एकत्रित होते हैं तब जाकर के उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा भी जो है कोई गारंटी नहीं है कि एक ही बार में एक झट से आ गया अंदर, श्रद्धा आने के लिए भी जो है उसके अंदर सुकृतियाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए ये वो मतलब पिछले क्षण तक, अनादिकाल से लेकर हमारे जीवन के पिछले क्षण तक हमारे द्वारा एकत्रित सुकृतियों के प्रभाव से हमारे अंदर श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा साधु संग के लिए होता है, श्रद्धा है तो साधु संग, श्रद्धा नहीं है तो साधु संग है ही नहीं। तो इस अब जैसे कईयों को
परम पूज्यपाद भक्त विज्ञान भारती गोसाई महाराज के प्रति वो वाले भाव नहीं था। तो महाराज कथा कर रहे हैं, वो कमरे में बैठ करके बातें कर रहे हैं। महाराज जी जो है इतने बड़े महापुरुष हैं, आज वो प्रकट नहीं है, उनकी दिव्य वाणी जो है सुनने के लिए हम कान तरसते हैं। श्रील गुरु महाराज जी प्रकट नहीं है, तो जो लोग हरि कथा के प्रति श्रद्धायुक्त नहीं है, गुरुदेव के प्रति श्रद्धायुक्त नहीं है, उस तरह का जो व्यक्ति है वो लोग कभी भी संग करने के लिए आगे आते नहीं है। श्रद्धा से साधु संग होता है, सत्संग में श्रवण कीर्तन आदि साधन भक्ति का आचरण करता है, धीरे धीरे साधना के प्रभाव से उसके सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, तब पूर्व श्रद्धा निष्ठा बन जाती है। वही श्रद्धा निष्ठा बन जाती है, वही श्रद्धा बाद में रुचि बन जाती है, वही श्रद्धा श्रद्धा ही वास्तविकता में साधु संग कराती है, और उसके बाद उस साधु संग से जो भजन क्रिया, वो भजन क्रिया को भी श्रद्धा ही करवाती है, और जब व्यक्ति भजन क्रिया करते हैं उसके जीवन से अनर्थ निवृत्त होते हैं, फिर वही श्रद्धा जिससे के साथ वो साधु संग में रह के भजन क्रिया को कर रहा है, वही उसके अंदर निष्ठा पैदा कर देती है, फिर रुचि आसक्ति और शेष में प्रेम तक लेकर के आता है। इसलिए श्रद्धा का एक बिंदु ही वो प्रेम प्रदान करने के लिए, प्रेम को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। यहां क्या बोलते हैं, वही जो रति है वो गाढ़ा होने पर, रति जब गाढ़ा होता है तब क्या होता है, प्रेम होता है। रति से ही प्रेम है, निष्ठा से ही रति। इसीलिए ऐसा भक्ति के सोपान है क्रम उन्नति का मात्र का चरम प्रयोजन है। श्री चैतन्य महाप्रभु इस दशमूल शिक्षा के प्रति जिसको संदेह होता है उसका भजन साधन निरर्थक हो जाता है। भजन करने वाले व्यक्ति को ये दशमूल शिक्षा के ऊपर विश्वास होना जरूरी है, जिसके अंदर इसके प्रति संशय होता है, संशय आत्मा तो विनश्यति है, जिसके अंदर संशय है उसका तो नाश ही होगा। और ये दशमूल शिक्षा जो कि सार रूप से शास्त्रों में से निकाल कर हमारे आगे रखा गया हमारे मंगल के लिए, उससे अगर जिसको भी संशय होता है वो बोलते हैं उसका साधन निरर्थक होता है। संशय से भजन विकृत हो जाता है, भजन विकृत होने से जीवन का सर्वनाश होता है। अतः जो लोग विशुद्ध रूप से भजन करना चाहते हैं उन्हें सुदृढ़ निश्चय के साथ भजन करना चाहिए। उत्साहात निश्चयात, वो जो निश्चय है सुदृढ़ होना चाहिए। वो सुदृढ़ निश्चय तभी आता है जब व्यक्ति इस दशमूल शिक्षा को समझकर उसको आचरण करते हुए अपने जीवन में साधन करता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।